नहीं, हम तो सर कहीं जा ही नहीं रहे, हम तो परिवार के पास ही रहे। आ रहे चलिए ना। अब अगर एक बार दाह संस्कार जहाँ हुआ है वहाँ पहुँच के अगर हम लोग वापस आए तो कोई दिक्कत है क्या? पैदल जाते हैं अच्छा लगता है सर। मुझे तो जानकारी नहीं ना कि हुआ क्या, अभी खबर मिली कि लाठीचार्ज दोबारा हुआ, फिर दोबारा इस तरह की चीजें हुई है। हम आ गए, अभी तो वक्त है, कोई बात नहीं है सर, हम क्या कर सकते हैं। कहेगा हम देखेंगे कि कितनी गोलियां चलाएगी उत्तर प्रदेश की पुलिस, हम देखेंगे कितने ये हरामखोर गोलियां चलाएंगे, क्योंकि अगर ये लोग वर्दी पहनकर संवैधानिक चीजों का हनन करेंगे तो इनकी औकात हम लोग इनको याद दिलाने का काम करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले लोग दबने वाले। देखिए इस दमन का, इस नीति का हम जितना विरोध कर सके उतना कम है जी। क्योंकि वो योगी इतना सरकार जो ये कहती है कि उत्तर प्रदेश बिल्कुल अपराध मुक्त हो चुका है, वहाँ पुलिस के द्वारा अपराध किया जा रहा है और पुलिस ने अभी भी इतनी बर्बरता दिखाते हुए लाठी चार्ज करते हुए पुलिस ने शव का दाह संस्कार किया है। अब आप देख लीजिए किस तरह से पुलिस जो है सारा दमन दिखा रही है। लाठी चार्ज होने के बाद भी कई बार लाठी चार्ज यहाँ हुआ, अभी प्रशासन फिर से आ गए। बताइए बताइए क्या बात। कोई नहीं कोई नहीं, आने दो आने जी, इधर नहीं आप, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, बता दीजिए ना, इधर खोल दे, इधर खोल दे जी। महोदय जी, जी महोदय नमस्कार। नमस्कार। कुछ नहीं, वो बस वहीं जा रहे हैं जहाँ दाह संस्कार हुआ। हाँ तो कोई नहीं, हम जाके वापस आ जाते हैं। जी परिवार जन भी उधर ही आ चुके हैं। अच्छा तो अच्छा यही रहेगा कि आप उधर ही आ जाओ, परिवार पूरा वापस आ गया। नहीं मतलब एक बार अंतिम संस्कार हो चुका है, हम जाके एक बार फिर वापस आ जाते हैं। दो मिनट लगे, हम दिल्ली से इतनी दूर से आए भाई साहब, अगर नहीं जा जाते तो बता दीजिए। अगर आपका परिवार जन है, नहीं परिवार से मिलना है, नहीं हम लोग भाई के पिताजी आए, कहाँ ये उनके पिताजी है। देखिए मौत मारा, रोइए मत, ये तो दमन है और समय बदलता है। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं तो अपराधी और तमाम लोग जितना सारी चीज़ें दिखाएं दिखाने दें, आप बिल्कुल मत रोइए, समय है ज़रूर बदलेगा। और सब लोगों को बोलिए कि शांति बना के रखें, व्यवस्था बना के रखें, हम लोग चल रहे हैं वापस, परिवार से मिलेंगे, बात करेंगे। आप बिल्कुल डटकर हिम्मत बना के रखिए और जी जय है देव। नहीं हम तो सर कहीं जा ही नहीं रहे, हम तो परिवार के पास ही रहे। आ रहे चलिए ना। अब अगर एक बार दाह संस्कार जहाँ हुआ है वहाँ पहुँच के अगर हम लोग वापस आए तो कोई दिक्कत है क्या? पैदल जाते हैं अच्छा लगता है सर। मुझे तो जानकारी नहीं ना कि हुआ क्या, अभी खबर मिली कि लाठी चार्ज दोबारा हुआ, फिर दोबारा इस तरह की चीजें हुई है। हम आ गए, अभी तो वक्त है, कोई बात नहीं है सर, हम क्या कर सकते हैं। बचेंगे थोड़ा ही, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। देखिए मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, समाज के पॉलिटिकल लीडरों को दोष दूंगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिन लीडरों क्या दिक्कत आप, है मेरे, मुझे चलने तो दीजिए कम से कम। जिन लोगों ने भी, जिन हरामखोरों ने इस तरह का कृत्य किया है, योगी इतना सरकार दलितों का प्रेम बताती रहती है, मोदी सरकार जी बताते रहते हैं कि हम दलितों से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन देख लीजिए अब दलितों को मारने के लिए गुंडों की आवश्यकता नहीं है। पुलिस खुद वर्दी के अंदर गुंडा बन चुकी है और पुलिस ने जो अपराध किया है उस अपराध से पुलिस बिल्कुल नहीं बच पाएगी। भारत के संविधान की लाठी में इतना दम है कि चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री, जिसने भी इस तरह के अपराध किए बचेगा कोई नहीं। हमारे आने से पहले पुलिस को, क्योंकि सूचना मिल चुकी थी, हमारे आने से पहले पुलिस ने जबरन पुनः लाठी चार्ज करके दाह संस्कार तो करवा लिया, लेकिन कोई बात नहीं, हम अंतिम जहाँ पे है वहाँ पहुँच तो जाएं। कम से कम जिस व्यक्ति ने डॉक्टर अंबेडकर के लिए अपनी जान गंवा दी, मैं तो उसको शहीद कहूँगा। वो शहीद है जिसने बाबा साहेब अंबेडकर के सम्मान के लिए अपनी जान गंवा दी। ये साधक कहीं कुर्बान तो नहीं चली जाएगी? नहीं, फिर से लगा था, तीन दिन बोले हमने, दो लोग शहीद हुए। एक हमने कभी भी, जिसने महापुरुषों के सम्मान में कुर्बानियाँ दी हैं उनकी कुर्बानी कभी भी जाया नहीं गई है, ना हम कभी भी अपने किसी भी ऐसे साथी की कुर्बानी को जाया जाने देंगे। हम यहाँ से पीड़ित परिवार के पास पहुँचेंगे, पीड़ित परिवार जिस बात को कहेगा, हम देखेंगे कि कितनी गोलियाँ चलाएगी उत्तर प्रदेश की पुलिस, हम देखेंगे कितने ये हरामखोर गोलियाँ चलाएंगे, क्योंकि अगर ये लोग
वर्दी पहनकर संवैधानिक चीजों का हनन करेंगे तो इनकी औकात हम लोग इनको याद दिलाने का काम करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले लोग दबने वाले नहीं है। बिना पीड़ित परिवार की मौजूदगी में सबको जला दिया गया, कहीं ना कहीं ये हाथरस को दोबारा दोहराया गया। मैं ये कहूंगा ये पहला नहीं था तो ये अंतिम भी नहीं होगा। अगर समाज नहीं जागा, समाज के नेता नहीं जागे, अगर उन्होंने 2024 के इलेक्शन से पहले एकजुटता नहीं दिखाई तो समय बिल्कुल भयावह आने वाला है, और इतना भयावह आने वाला है कि लोगों को इसी तरह से पुलिस घर में घुस घुस के मारेगी। मार रही है भैया, मांगे पूरी की जाएंगी। मांगे पूरी नहीं होगी, मांगे पूरी नहीं होगी तो हम यहाँ से जाएंगे नहीं।